सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और दबाइए बेल का आइकन ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। माइंड वॉश करो इनका, उलमा से दूर करो, रियाल का और आलिम बनो। बताओ बताओ, ये रियाल वाला आलिम है, रियाल जितना पड़ेगा जेब में उतना बोलेगा। ये डॉलर का आलिम है, डॉलर तो नहीं, दिरहम का आलिम है, जितने दिरहम डालेंगे उतना बोलेगा। ये कुर्सी के उलमा है, ऐसे उलमा को बदनाम करो, ये दुश्मन की चाल है। उलमा को पहले बदनाम करो, जब उलमा बदनाम हो जाएंगे उनकी छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी करके बताओ। उलमा बदनाम हो जाएंगे जिनके पास इल्म है, जिनसे इल्म जो दीन को समझते हैं, समझा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, उलमा से लोग बदसल हो जाएंगे। नौजवान, पहले इसको दूर करो, हटाओ वहां से जहां से ये बच सकता है। हट गया अब आपका है, क्या बोलते हो इंग्लिश में, द बॉल इज इन योर पॉकेट, प्ले जैसे भी प्ले करना, मेरा बॉल आपके पॉकेट में है, जैसे खेलना है खेलो। उलमा से दूर कर दिए, अब कुछ भी नहीं है, अब इसको जो बताओ वो अकीदा लेगा, जो मनहज तो वो लेगा, जो अमल बताओ लेगा। इसके अखलाक को तबाह करो, इसके दिमाग से खेलो, इसको जो है अल्लाह से दूर करो, इसको दीन से दूर करो, इस्लाम से दूर करो, मनहज सलफ से दूर करो। सब कुछ कर सकते, क्यों, क्योंकि कोई गाइड करने वाला, कोई बताने वाला नहीं है, वो दूर हो गया। कल मैंने एक वाकया बताया था, मुनासिब है कि आज भी बताऊं उसको। इमाम लालकाई रहमतुल्लाह अलैह उसूल एतकाद अहले सुन्नत वल जमा में इस वाक्य को नकल किया है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मुस्लिम नाम का एक शख्स मर्व इलाके का था, अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठता था, एक आलिम की सोहबत में रहता था, अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद क्या हुआ, छोड़ दिया, वो छोड़कर मुतज़िला एक गुमराह फिरका है, तो मुतज़िला के साथ उठना बैठना शुरू किया, उनकी सोहबत उसने अख्तियार की। उसके बाद ख्वाब देखता है, ख्वाब में उसने देखा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम ने कि वो ऐसी कौम के साथ जा रहा है, कुछ लोग हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्यारे नबी सल्लम के जनाजे को उठाकर जा रहे हैं, ये भी उनके साथ जा रहा है। ताजुब हुआ इसको, ये कैसा ख्वाब है भाई। उठा, पूछा इमाम मालिक से, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने बयान फरमाया, तुम मामन तुजालिस, या तुम्हारा बैठना उठना किन लोगों के साथ। तो बता दिया उसने कि मैं पहले अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ था, बैठता था उनकी मजलिसों में, अब मैं मुतज़िला के साथ बैठता हूं। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने उसके ख्वाब का मतलब बताया, तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को जिंदा दफन करना चाहते हैं। तुम उन लोगों का साथ दे रहे हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को दफन करना चाहते हैं। यह वाकया हमें बताता है खुतूरत को, नुकसान को, अगर हम अहले इल्म से दूर होंगे, अहले इल्म को बदनाम करके उनसे दूर करने की साजिश, एक फितना चल रहा है मौजूदा दौर में, चाहे वो अरब के उलमा हो या अजम के उलमा हो, उनको बदनाम करना, उनको, उनसे नौजवानों को दूर करना, ताकि हमारे हदफ को हम पूरा कर सके, हमारे टारगेट को पूरा कर सके, ये दुश्मनों की एक बहुत खतरनाक चाल है। इस चाल में आप न पड़े वरना बर्बाद हो जाएंगे। उलमा मिसाल, जैसा कि सलफ सालहीन ने मिसाल दी, मिसाल सलफ ने मिसाल दी कि उलमा सितारों के मानिंद है, उलमा सितारों के मानिंद हैं जिनसे रोशनी इंसानों को मिलती है, नूर मिलता है, फायदा हासिल होता है। लिहाजा उलमा को से दूरी इख्तियार हरगिज न करें वरना तमाम चीजों का नुकसान होगा। شكرا يا ربي شكرا يا قلبي شكرا يا ربي شكرا